गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि हम जा रहे हैं मथुरा। आज का पूरा ब्लॉग ट्रैवलिंग का रहेगा, पूरनपुर टू मथुरा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और इंजॉय करिए। गाइस, अभी मैं पहुंच चुका हूं बरेली रोडवेज पर, और बरेली रोडवेज पे पहुंच के यहां पे मैंने इंक्वायरी की तो पता चला कि यहां पे अभी आधे घंटे बाद बस है मथुरा के लिए। तो मथुरा के लिए निकलेंगे, बट सुबह जब हम मॉर्निंग में निकले थे तो ट्रेन का प्लान करके चले थे और ओनली फाइव मिनट लेट और ट्रेन मिस हो गई। तो हमको पीलीभीत से बाई बस आना पड़ा बरेली के लिए। गाइस, अभी मैं बरेली रोडवेज हूँ और हमारे साथ है जोगेंद्र भाई। ये देखिए थारा भाई जोगेंद्र, और ये भी मथुरा चल रहे हैं साथ में, तो बहुत मिलकर इंजॉय करेंगे। और हमारे साथ है सौरभ भाई। ये देखिए क्या बात है, कैप लगा के बिल्कुल एकदम मस्त लग रहे हैं। और देखिए हमारा एकदम मस्त बावला भाई है ये सानू भाई, ये देखो। तो बिल्कुल मस्ती करने के लिए निकल चुके हैं क्योंकि मथुरा में बहुत ही ज़्यादा फेमस जगह है, टूरिस्ट प्लेस है, बहुत सारे मंदिर है, सबको देखेंगे और आपको भी दिखलाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, सभी हम पता करेंगे कि मथुरा के लिए कितने बजे बस है। तो अभी जानकारी लेते हैं मथुरा के लिए और फिर मथुरा के लिए निकलते हैं। बस अभी एक गाड़ी निकल गई, अब 9:30 बजे आप कितने बजे जाएगी अभी देख लो, चाहे मथुरा के लिए आगरा वाली। तो कासगंज तक ये जाएगी, मथुरा की कितने बजे? 9:30। गाइस, बरेली रोडवेज पे है और यहाँ पे सौरभ भाई बैठे हुए हैं और सौरभ भाई अभी पूड़ी का टेस्ट ले रहे हैं। और ये जो दुकानदार है यहाँ पे शॉपकीपर, इनके साथ इनका बहस हो गया। उन्होंने कह दिया कि 40 पूड़ी खाना पड़ेगा, ये कहते हैं नहीं खाएंगे। अभी शर्त हो गया 500 रुपये का, अभी 500 रुपये ये देंगे दुकान वाले अगर इन्होंने 40 पूड़ी फिटनेस कर दी। ये देखिए इनकी थाली में 2 रहेगा 3 रहेगा, कितना रह गया? 3 कितना रह गया? 3 रहेगा और 3, मतलब 37 ये खा चुके हैं। क्या बात है, मतलब सर जीतने वाले हैं, ये 500 रुपये जीतने वाले हैं। ये देखिए शॉपकीपर, इन्होंने गलती कर दी इनके साथ शर्त लगा के, पुराने खवैया है ये, पूड़ी के पूड़ी देख के टूट पड़ते हैं ये। रास्ते में कुछ भी ऐसा खास दिखेगा, मैं रास्ते का भी सीन लेता चलूँगा तो सारा व्यू आपको दिखलाने वाला हूँ। आज का ब्लॉग ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये देखिए गाइस, बस स्टेशन बरेली, पुराना बस स्टेशन है, यहाँ से मथुरा आगरा के लिए बसें मिलती हैं। और अभी हम लोग पूरनपुर पीलीभीत होते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं, चलते हैं। ये देखिए गाइस, सुबह सुबह का सीन बरेली रोडवेज का, दातागंज, मथुरा, अलीगढ़, जयपुर, जहाँ भी जाना चाहते हैं हर जगह के लिए बस लगती है यहाँ पे। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं बदायूं, और बदायूं से निकलेंगे कासगंज के लिए और कासगंज से मथुरा। गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं बदायूं। पानी ठंडा है। गाइस अभी मैं बस में बैठा हूँ और मथुरा जा रहा हूँ, लेकिन मथुरा रास्ते में गंगा जी का घाट पड़ता है, बहुत ही प्रसिद्ध घाट है, उसको कछला बोलते हैं। देखिए नाला पलट गया है गन्ने का, ओ माय गॉड। गाइस अब हम आ चुके हैं कछला के घाट पर और अब आगे पुल है गंगा जी का, तो वही सीन दिखाएंगे आपको। ये देखिए यहाँ की पूड़ी बहुत प्रसिद्ध है, कचौड़ी, खस्ते बहुत प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पे लोग स्टे करते हैं, रुकते हैं, गाड़ियों को रुकते हैं, जो टूरिस्ट वगैरह है वो टेस्ट लेते हैं। फुटपाथ मार्केट है, लेकिन काफ़ी टेस्टी आइटम यहाँ पे देते हैं ये लोग। तो ये देखिए इस टाइप से यहाँ पर फुटपाथ मार्केट बनी हुई है और ये गंगा जी का पुल, कछला का घाट। और ये देखिए लोग नहा रहे हैं और मेला जैसा लगा हुआ है। बहुत ही प्रसिद्ध घाट है और बहुत भीड़ लगी हुई है, काफ़ी रश है, काफ़ी लोग हैं और लोग नहा रहे हैं। तो गाइस ये कछला घाट था और गंगा जी का ये घाट बहुत ही प्रसिद्ध है, मैंने आपको दिखलाया। और आप आगे चलते हैं कि मथुरा की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और ये पूरा ब्लॉग हमारा ट्रैवल ब्लॉग है, तो आपको पूरे ब्लॉग में नए नए जो नज़ारे आगे और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, वो सारी चीज़ें दिखलाते हुए चलेंगे।
गाइस अभी एक छोटा सा कस्बा पड़ा है शोरो, तो हम शोरो आ चुके हैं और कस्बे की छोटी सी मार्केट है वो भी आपको दिखलाते हैं गाइस। शोरो की छोटी सी मार्केट और ये हॉस्पिटल शोरो का गाइस। तो अब हम पहुंच चुके हैं कासगंज और कासगंज से जाएंगे मथुरा। अभी तो बस रेडी है, तो खड़ी हुई है रेडी और अभी बस पे बैठेंगे और मथुरा पहुंचेंगे। ये कासगंज का बस स्टैंड है, तो आपको बस स्टैंड दिखाता हूँ। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं कासगंज और कासगंज पीछे मैं मेन रोड दिखा रहा हूँ आपको। ये कासगंज शहर का मेन रोड है और रोडवेज के बिल्कुल बाहर है, तो काफ़ी अच्छा शहर है। यहाँ की खस्ता कचौड़ी बहुत प्रसिद्ध है। मैं कासगंज बस स्टेशन के अंदर का आपको व्यू ये दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छा बना हुआ है। कहाँ से कहाँ जाना है ये पूरा लिस्ट चार्ट लगा हुआ है और दूरी के बारे में भी पूरा लिखा हुआ है, कहाँ से कितना दूर पड़ेगा ये पूरा चार्ट लगा हुआ है बस स्टेशन पर। ये रोडवेज है कासगंज का और बहुत अच्छा बहुत खूबसूरत बना रखा है। ये देखिए गाइस मंकी केले खाते हुए और अंकल जी ने मंकी को केले खिलाए हैं। काफ़ी अच्छा फील होता है कोई अच्छा काम करते हैं। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे मंकी बैठे हुए हैं हाथरस स्टेशन पे। तो मैं आपका बंटी गुप्ता, बंटी गुप्ता जी। तो बंटी गुप्ता जी यहाँ की पपड़ी बहुत प्रसिद्ध है मैंने सुना है, किसका पपड़ी है किस नाम से है? कासगंज में रोशन लाल जी की सोन पपड़ी। अच्छा जी, यहाँ की बहुत प्रसिद्ध है। बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, तो किसी मूवी में भी नाम लिया गया है? हाँ, हम साथ साथ फिल्म में इस सोन पपड़ी का नाम आया है। गाइस ये हाथरस और ये हाथरस का आपको पूरा व्यू दिखा रहा हूँ। इधर देखिए ये मथुरा का मेन रोड है और मेन रोड के पास में रेल पटरी और रेल पटरी के पास में आबादी और ये देखिए फाटक बंद हो रहा है। तो रेल पटरी पे ठेले लगे हुए हैं सेब एप्पल के और भी बहुत अमरूद के, तो ये पटरी के ऊपर ठेले लगाए हुए हैं। कितनी कमाल की बात है यार, कितने घनी आबादी है यहाँ की। ये राया पड़ता है मथुरा से पहले लगभग 15 से 20 किलोमीटर पहले और बीचों बीच शहर से ये रेल पटरी गई हुई है। तो अभी ट्रेन आने वाला है और ये देखिए, ओ माय गॉड, ये देखिए फाटक बंद हो रहा है और कितने अफरा तफरी का माहौल है यहाँ पे। देखिए कितना भागम भाग लोग अपनी रेडी हटा रहे हैं, ठेले हटा रहे हैं, कैसे कैसे लोग यहाँ पर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। अब ये देखिए गाइस ये अभी पटरी खाली कर दी गई है और ये देखिए पुलिस भी आ गई है, आनंद फानंद में ये पटरी खाली कराई गई है। अब ये ट्रेन आ रही होगी और ये मार्केट है राया का, आप देख रहे होंगे शॉप। रेलवे स्टेशन, देखिए रेलवे स्टेशन भी बस्ती के बीचों बीच। ये मिलिट्री हॉस्पिटल है मथुरा का और हम लोग मथुरा पहुंच चुके हैं गाइस। अब मथुरा के छोटी छोटी गलियों से होके निकल रहे हैं, बड़ा अच्छा शाम का टाइम है, बहुत अच्छा लग रहा है और काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही है। और क्यों ना हो, भगवान कृष्ण की नगरी में आ चुके हैं तो मज़ा तो आने वाला है। अब तो बस राधे राधे। तो गाइस अब हम आ चुके हैं मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थली और ये ब्लॉग जो हमारा ट्रैवलिंग का ब्लॉग था ये यहीं तक का था। लाइक कीजिएगा और कमेंट करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नए नए ब्लॉग देखने के लिए इस ब्लॉग को शेयर भी कीजिएगा। सो थैंक यू, जय हिंद।